गिरिराज सिंह 4.5 लाख जीता, 8.5 लाख वोट से जीतेगा, 8.5 लाख वोट से जीतेगा, 8 लाख वोट से जीतेंगे गिरिराज जी। अच्छा कोई है ही नहीं है, देखिए ना कोई रहता तब ना, ये चारों तरफ से तल्ली हिलल है उनका। वो अभी बाय पर बोल रहे हैं कि जमा जब्त करवा देंगे, पागलपने न है कि जब देख रहा है लोग 40 में 40 सीट NDA जीत रहा है, वो कहता है जमानत जब्त करवा देंगे। विधानसभा के चुनाव में भी जनता उसको जवाब दिया था और लोकसभा में तो उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं रहेगा, समझ से परे है। कहता है दूसरा जमानत जब्त करा दे, अरे तुम अपना जमानत बचा लो ना पहले। CPI के उम्मीदवार अवधेश राय जी हैं, जिनको अपने अपने बछवाड़ा विधानसभा में और विधायक का चुनाव हराया था, उनका सीधा कहना है कि अभी इस बार का चुनाव तो मेन उसी पर चल ही रहा है। हमने उनसे प्रश्न जब किया था तो उन्होंने पहले यही कहा था इस बार उनकी जमानत जब्त कर देंगे और गंगा के उस पार भेज देंगे। बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में अवधेश राय के द्वारा कोई काम नहीं हुआ और आज की तारीख में अवधेश राय का घर होते हुए वो चिड़ैया टोक तक एक बहुत बड़ा सड़क, 7-8 किलोमीटर का वो सड़क बन रहा है। 1 दर्जन सड़क अभी तक बनाए जा चुके हैं पूरे 5 पंचायत। सर आपके बछवाड़ा विधानसभा में क्या क्या काम हुआ है जो गिरिराज सिंह ने करवाया? वो जो बोल रहे हैं ना जमानत जब्त करा देंगे, तो किसका जमानत जब्त होगा वो खुद जानते हैं। अच्छा। उनको पता है कि जमानत किसका जब्त होगा। उनको उन गाँव से पहले जीतेंगे, वो जिस गाँव में है जिस पंचायत में वहाँ से नहीं जीत रहे हैं। CPI के उम्मीदवार अवधेश राय हुए, पिछले बार कन्हैया कुमार थे और गिरिराज सिंह, मतलब विपक्षी बदल गए हैं लेकिन अभी जो आपके प्रत्याशी हैं भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो वही के वही हैं, तो क्या इस बार कुछ बदलाव हो, ज़्यादा कुछ मार्जिन से जीतने वाले हैं या टक्कर बराबर की चलेगी या क्या चलने वाला, इसके बारे में क्या, कितने वोट से आप लोग जीत रहे हैं? नमस्कार, 2024 का लोकसभा चुनाव और अभी तमाम नेतागण अपने लगातार अपने गलियारों में घूम रहे, अपने क्षेत्र में घूम रहे और चुनावी चर्चा पे बातचीत कर रहे हैं। अभी हमारे साथ बिहार के खेल मंत्री और माननीय विधायक बछवाड़ा विधानसभा के सुरेंद्र मेहता जी हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और इस चुनावी चर्चा में, चूंकि बेगूसराय हर साल की तरह इस साल भी हॉट सीट के नाम से गिना जा रहा है, कहा जा रहा है, और इस पर हम लोग बातचीत करेंगे विधायक जी से कि आखिर इनके क्षेत्र में, चूंकि सबसे बड़ी बात आपको बताऊँ, जो CPI के प्रत्याशी हैं, सांसद प्रत्याशी हैं, वह इन्हीं के साथ चुनाव में हार गए थे बछवाड़ा से। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। ये आपके चैनल को भी हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सर पहला सवाल आपसे यही पूछा जाएगा, चूंकि जब से भाजपा ने प्रत्याशी तय किया, गिरिराज सिंह का नाम जब से डाला है, तब से लोग कह रहे हैं कि बाहरी बनाम बेगूसराय का बेटा, इस पर सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए इससे जान लीजिए गिरिराज जी बाहरी नहीं है। गिरिराज जी का लालन पालन पोषण पढ़ाई लिखाई सब बेगूसराय में हुआ और बेगूसराय से ही उनका छात्र जीवन से लेकर राजनीतिक जीवन यहाँ से शुरू हुआ, इसलिए बाहरी नहीं है। दूसरी बात यह है कि लोकसभा का चुनाव है, इसमें बाहरी भीतरी नहीं चलता है और बाहरी भीतरी का कोई असर भी नहीं है। लोग नरेंद्र मोदी को जान रहे हैं, नरेंद्र मोदी को सब लोग उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए मन बनाए हुए हैं और गरीब गुरबा चारों तरफ से यही आवाज़ आ रहा है कि नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आपके विपक्षी पार्टी जो है CPI के उम्मीदवार अवधेश राय जी हैं, जिनको अपने अपने बछवाड़ा विधानसभा में और विधायक का चुनाव हराया था, उनका सीधा कहना है कि अभी इस बार का चुनाव तो मेन उसी पर चल ही रहा है। हमने उनसे प्रश्न जब किया था तो उन्होंने पहले यही कहा था इस बार उनकी जमानत जब्त कर देंगे और गंगा के उस पार भेज देंगे, इसलिए बोला था क्योंकि वो बेगूसराय के नहीं हैं। देखिए कुछ चीज़ वे बोलते हैं बड़ा हास्यास्पद लगता है कि जमानत जब्त करवा देंगे। उनको सोचना चाहिए कि अगली दफ़े गिरिराज जी 4.5 लाख वोट से 4,17,000 वोट से जीते थे और 5 साल तक लगातार, 5 साल में हुए होने को है, 5 साल में 5 साल गिरिराज केंद्रीय मंत्री भी बने और हर 10-15 दिन में वो बेगूसराय आते रहे, कार्यकर्ता से मिलते रहे, आम लोगों की बात को सुनते रहे और विकास का काम देख लीजिए। नरेंद्र मोदी जी का ये विकास का काम बेगूसराय में, बेगूसराय को पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा हिस्सा मिला है बेगूसराय को, और विकास के काम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो बिहार हुआ है बेगूसराय में उसको जरा देख लीजिए। बिहार केसरी बाबू श्री कृष्ण सिंह के समय में ये इंडस्ट्रियल हब बना था बेगूसराय और उद्योग नगरी के रूप में जाना जाता था और कई एक बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ देख लीजिए, रिफाइनरी यहीं था, थर्मल पावर यहाँ बना, बाद में फर्टिलाइज़र बना और छोटा छोटा बहुत सारा उद्योग बचा। जो आज कह रहे हैं कि हम जमानत जब्त करवा देंगे तो इस वाम पंथ के कारण यहाँ का तमाम औद्योगिक नगरी ये चौपट हो गया, रिफाइनरी दम तोड़ रहा था, फर्टिलाइज़र समाप्त हो गया, थर्मल समाप्त हो गया और नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में
कोई नहीं बेगूसराय का, कोई बेगूसराय का वासी ये नहीं कहता था कि यही फर्टिलाइजर फैक्ट्री फिर आने वाला है। लेकिन नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में उन्होंने बेगूसराय को फर्टिलाइजर दिया। वो जो थर्मल पावर देख रहे हैं, थर्मल पावर जो समाप्त हो गया था उसके जगह पर एक और नया थर्मल पावर बना, और पुरनका थर्मल पावर को भी नरेंद्र जी मोदी ने ठीक ठाक करके और फर्टिलाइजर फैक्ट्री को दे करके बेगूसराय को औद्योगिक नगरी के रूप, श्री बाबू श्री कृष्ण सिंह के उनके उनका जो दिया हुआ था बेगूसराय को सौगात, उसको जिंदा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सर गिरिराज सिंह की बात करते हैं, चूंकि अभी प्रत्याशी नरेंद्र मोदी नहीं गिरिराज सिंह है, तो सर गिरिराज सिंह की जब बात आती है तो आपकी विपक्षी पार्टी वाले सीधा कहते हैं कि उन्होंने क्या काम किया है। तो हमने पिछले बार कुंदन जी से भी बात किया था जो बेगूसराय के विधायक हैं, उन्होंने भी गिन गिन करके काम बताया। सर आपके बछवाड़ा विधानसभा में क्या क्या काम हुआ है जो गिरिराज सिंह ने करवाया? सर बता देते हैं अभी, चलिए जो विपक्षी पार्टी का उम्मीदवार है 15 साल वो विधायक रहे, उनके यहाँ उनके नेतृत्व में कोई काम बछवाड़ा में नहीं हुआ। आप ही के क्षेत्र के थे और हमारे क्षेत्र में अभी पड़ता है, बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में अवधेश राय के द्वारा कोई काम नहीं हुआ। और आज की तारीख में अवधेश राय का घर होते हुए वो चिड़ैया टोक तक एक बहुत बड़ा सड़क, 7-8 किलोमीटर का वो सड़क बन रहा है। 1 दर्जन सड़क अभी तक बनाए जा चुके हैं पूरे 5 पंचायत। मतलब जो आपके प्रत्याशी हैं, जो भी उम्मीदवार हैं, उनके राज में ही उनके घर के आगे रोड नहीं बना था और आप लोगों ने बनवा दिया। बना दिया। अच्छा। और बड़े पैमाने पर अभी जो सड़क बन रहा है प्रधानमंत्री सड़क योजना से, वो बड़े पैमाने पर तेजी से काम जारी है। और वहाँ के पब्लिक से पूछिए, पब्लिक अवधेश राय के जो जोर में रहने वाला लोग है वो भी कहता है कि नहीं, जो कुछ हो ये हमारा सड़क जो था बहुत समाप्त हो चुका था और यहाँ गिरिराज जी के नेतृत्व में ये सड़क हमारा बन रहा है। कुछ लोग सर यह भी कह रहे हैं, कि जो आपके साथ विधायक का चुनाव नहीं जीता है वो अब सांसद कैसे बनेगा? सर इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए हम बताते हैं, कैसे वो जीतेंगे जब उनको गांव का सड़क नहीं बनाना पार लगा, विधानसभा में कुछ नहीं किए और गिरिराज सिंह के नेतृत्व में, और गिरिराज सिंह सांसद है वहाँ के, विधायक सुरेंद्र मेहता है। हम अभी आपको बताते हैं कि वहाँ जितना भी सड़क था ये 4 साल के दरमियान, 3.5 साल के दरमियान बन गया, मात्र 14 सड़क अभी बचा हुआ है जो इस साल में उसका बनना तय है। तमाम सड़कें बनाए गए NDA के शासनकाल में और गिरिराज जी के नेतृत्व में, जान लीजिए बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 14 बड़ी सड़कें आज हाथ लगा हुआ बन रहा है। उसमें 4 पुल बन रहा है, उसमें जिसमें हंडालपुर है, ये कैदराबाद है, इसे 4 बड़ा पुल जो बुचौली आता है वहाँ वो पुल है, 4 बड़ा पुल भी है उसमें, बैती नदी में, बलान नदी में, जो गिरिराज सिंह के नेतृत्व में बनाए जा रहे हैं। और गिरिराज सिंह के नेतृत्व में कहे ना, 14 बड़ी सड़कें बनाए गए हैं, उनका फंड वाला छोड़ दीजिए जो 5 करोड़ उनको मिलता है, उससे भी कई काम हुआ है, लेकिन बड़ा 14 सड़क बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में गिरिराज सिंह के नेतृत्व में हुआ है। और जनता कह रही है कि कुछ नहीं, हम गिरिराज सिंह को वोट देंगे, नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। और ये देख ली, वहाँ देखिएगा बछवाड़ा से समसा आज तक वो फूल फले सड़क बनवे नहीं किया। और एक सड़क था जो आज़ादी के बाद पहली दफ़ा बन रहा है, वो दलसिंह सराय से लेकर भगवानपुर तक आती है, वो PWD सड़क जो बिहार सरकार के नेतृत्व में बन रहा है, जिसमें हम लोग का काफ़ी मेहनत है। वहाँ की जनता कह रही है कि यहाँ का सांसद विधायक हमारा काम किया है और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है पूरे ऊपर से दिल्ली से, और नीचे में बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये विकास के जो काम हो रहे हैं, आम जनता पर उसके जहनीत पर हटा हुआ है। इसलिए जान लीजिए वो जो बोल रहे हैं ना जमानत जब्त करा देंगे, तो किसका जमानत जब्त होगा वो खुद जानते हैं। अच्छा। उनको पता है कि जमानत किसका जब्त होगा। उनको गांव से पहले जीतेंगे, वो जिस गांव में है जिस पंचायत में वहां से नहीं जीत रहे हैं। अच्छा। पर उनका जो आया था उस रैली में तो वहां से आया था 10 गरी, कल आया है 45 गरी। अच्छा। अब बताइए कितना तुलना है। इसलिए चारों तरफ से तल्ली हिलल है उनका। वो अभी बाय पर बोल रहे हैं कि जमानत जब्त करवा देंगे, पागलपन है कि जब देख रहा है लोग 40 में 40 सीट NDA जीत रहा है, वो कहता है जमानत जब्त करवा देंगे, ये पागलपन है। अच्छा। इसलिए सर एक बेगूसराय, चूंकि बेगूसराय हर बार की तरह हॉट सीट है तो चुनावी में हॉट सीट रहता, लेकिन सर 2 कारणों से और बेगूसराय प्रचलित है। पहला, विश्व में सबसे प्रदूषित शहर,
सर इस पर क्या कहना चाहेंगे, इसके लिए क्या कराया जाएगा बेगूसराय के चुनाव में इसको सर क्या एक अहम मुद्दा माना जाएगा? एक चीज बात सही है कि बेगूसराय को प्रदूषित शहर के रूप में गिना गया है, लेकिन जान लीजिए नरेंद्र जी मोदी ने स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत का नारा दिया है और ये बड़े बहुत जल्द ही पटना दिल्ली या बेगूसराय क्या कहे तमाम जो प्रदूषित शहर है सबको ठीक ठाक किया जा रहा है, सबके लिए व्यवस्था किया जा रहा है और चारों तरफ से ये हिंदुस्तान ये देश हमारा देश दुनिया के मानचित्र पर सबसे आगे होगा नरेंद्र जी की मोदी जी के नेतृत्व में। और नरेंद्र जी मोदी जी के द्वारा जो देश के लिए राष्ट्र के लिए काम हुआ है, गरीब गुरबा के लिए काम हुआ है, ये काफ़ी आम जनजीवन पर इसका असर है। इसलिए जान लीजिए ये NDA बिहार में 40 की 40 सीट जीतने जा रहा है, 40 की 40 और 400 पार जो हुआ नारा है। तो नरेंद्र जी मोदी अपने नारा थोड़े दिए हैं, वो जनता के मूड मोटिव को जनता के मस्त जो भावना है उसको देखते उन्होंने कहा कि चलिए इस बार 400 पार। और गिरिराज जी जान लीजिए गिरिराज जी 4.5 लाख वोट से जीते थे, 4,27,000 से, इस बार गिरिराज जी 8.5 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं। चारों तरफ गरीब गुरबा उनके साथ है और किसान मजदूर पूरा बुद्धिजीवी सब लोग उनके साथ। सर एक और सवाल है, बेगूसराय एक क्राइम के नाम में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ है, कहीं पे भी आप जाइएगा तो बेगूसराय के अगर विधायक जी आए हैं तो भाई पहले ही सब हड़का हुआ रहेगा कि भाई बेगूसराय बड़ा बदमाश जिला है, वहाँ पर कोई भी वो सब आइए ना हमारे बिहार में ठोक देंगे कट्टा का पार में, ये सब वाला डायलॉग बेगूसराय में बड़ा प्रचलित रहता है। सर इस पर क्या कहना है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाएगा? एक ज़माना था बेगूसराय जो रोज 2-4 को लाश गिर जाता था, अब यो तो सर कुछ कुछ होता है नहीं बताते हैं। और वो ज़माना जो था वो कम्युनिस्ट पार्टी का ज़माना था। अच्छा। जब कम्युनिस्ट पार्टी बेगूसराय में पूरा अपना धाक जमाए हुए था तो कभी मटिहानी में 5 को गिर जाता था, कभी 5 बेबीहट में गिरता था, पूरे जिला में एक भी जगह ऐसा नहीं था जहां लाश नहीं गिरता था। और वाम पंथ के नेतृत्व में बेगूसराय में मैंने सैकड़ों माँ बहनों ने अपनी सिंदूर को धोने का काम किया है, नौजवानों की हत्या हुई है और वो बेगूसराय बहुत दूर आगे बढ़ चुका है। इसलिए अब जो वामपंथ चाहते हैं कि हम पुराना फिर अस्तित्व को वापस कर लेंगे, यहाँ का नौजवान यहाँ की जनता उस ये मौका उनको देने के लिए तैयार नहीं है। और बेगूसराय में अमन के लिए शांति के लिए ये NDA जाना जाता है, NDA के नेतृत्व में बिहार में जो सुशासन की सरकार बनी थी पुनः सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार बिहार में है, ये निश्चित रूप से ये तमाम विकृतियों पर रोक लगेगा। सर एक आखिर सवाल रहेगा, क्या माननीय जो अभी सांसद जी हैं और गिरिराज जी जो हैं वो क्या सिर्फ हिंदुओं के नेता हैं, हिंदुओं के मंत्री हैं? तो आप भी गिरिराज सिंह का समर्थन कर चुकी, चूँकि आपके विरोधी जो आपके विपक्षी हैं सीधा सीधा आरोप लगाते हैं कि गिरिराज सिंह बेगूसराय में आते ही हिंदू मुस्लिम करने के लिए, उनको उनके पास कोई मुद्दों है, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है जो खुद अब आप बताते हैं। यही बेगूसराय न है जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा जेल ब्रेक कांड हुआ था बेगूसराय में, जेल तोड़ कर जेल में पिस करके मार दिया, वो जो समझ रहे हैं जो कह रहे हैं जनता भूली नहीं है कम्युनिस्ट पार्टी के उस इतिहास को, उस खोरेजे के इतिहास के हत्या की राजनीति के इतिहास को बेगूसराय की जनता भूली नहीं है। और आने वाली जो नौजवान पीढ़ी है वो किसी कीमत पर उसको बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, जनता NDA के साथ है, गिरिराज सिंह के साथ है और गिरिराज सिंह अजय मतों से यहां से जीते। पिछले बार भी CPI के खेमे में सीट गई थी महागठबंधन की तरफ से, अब इस बार जो गई है ना, और इस बार भी CPI के उम्मीदवार अवधेश राय हुए हैं, पिछले बार कन्हैया कुमार थे और गिरिराज सिंह, मतलब विपक्षी बदल गए हैं लेकिन अभी जो आपके प्रत्याशी हैं भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो वही के वही हैं, तो क्या इस बार कुछ बदलाव हो ज़्यादा कुछ मार्जिन से जीतने वाले हैं या टक्कर बराबर की चलेगी या क्या चलने वाला, इसके बारे में क्या कितने वोट से आप लोग जीत रहे हैं या हार रहे हैं? देखिए एक चीज जान लीजिए, कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा। और कम्युनिस्ट पार्टी जो यहाँ उम्मीदवार देता है तब कम्युनिस्ट पार्टी भी समझता है कि हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, अब पूरे हिंदुस्तान में CPI को कहीं कुछ है ही नहीं, भूल चूक से एगो दूगो विधायक यहाँ हो गया तो दवा ठोका कि हमारा यहाँ होना चाहिए, सीट तो उसको मिल गया, अगला बार भी मिला था, अगला बार भी फिसड्डी हो गए थे, जनता ने इसको नकार दिया था, इस बार भी जनता इसको नकार दिया है, किसी भी कीमत पर जीतने वाले नहीं हैं, इनको वोट जनता देने की स्थिति में नहीं है और इनके हर कुकृत को जनता समझती है, जनता इसके झांसे में आने वाली नहीं है, इसलिए CPI का यहाँ कुछ नहीं चलने बनने वाला है। गिरिराज सिंह
मैंने हम तो कह दिए ना कि जो 4.5 लाख जीता साढ़े 8 लाख वोट से जीतेगा, 8.5 लाख वोट से जीतेगा, 8 लाख वोट से जीतेंगे गिरिराज जी। अच्छा कोई है ही नहीं है, देखिए ना कोई रहता तब ना। अच्छा बता देते हैं, ये देख लीजिए जरा, ये अवधेश राय जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में जान लीजिए, चले जाइए बछवाड़ा उनके गांव में, उनके गांव में लोग बताएगा कि एक नंदकिशोर झा उनकी हत्या हो गई कम्युनिस्ट पार्टी के ये ब्रह्मपेच में, फिर नंदकिशोर झा के भाई की हत्या हो गई अजय झा, और उस अजय झा का परिवार बिलट गया, कोई उसको देखने वाला नहीं है, और जा करके अभी पूछिए वहाँ जा करके बछवाड़ा गांव जाइए और एक एक बच्चा से पूछ लीजिए उस परिवार का क्या हाल है, परिवार किस अवस्था में है, बच्चा बच्चा आपको बता देगा। और वो अवधेश राय जो अपने हित के लिए अपने स्वार्थ के लिए हत्या की राजनीति किया है उसको किसी कीमत पर, विधानसभा के चुनाव में भी जनता उसको जवाब दिया था और लोकसभा में तो उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं रहेगा। अच्छा। और ये जो बोल रहे हैं वो समझ से परे है, कहता है दूसरा जमानत जब्त करा दे, अरे तुम अपना जमानत बचा लो ना पहले, मतलब उनका भी जमानत जब्त करा, अपना बचा लो पहले। अच्छा। बस अपना पहले बचा ले तब पता लगेगा। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति लोगों का कोई उत्साह नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति उसके जो पिछले दिन उसका इतिहास रहा है उससे लोगों में नाराजगी है, और हमेशा इधर कई एक दशक से वहाँ की बेगूसराय की जनता उसको नकार दिया है, इस बार भी नकार देगी, कहीं उसका कुछ है नहीं, और दूसरे के जमानत जब्त करवाने वाला वो अपना जमानत बचा ले, यही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए तमाम मुद्दों पर हमने सर से सवाल किया, देखिए हमने आपको सबसे पहले बेगूसराय के विधायक कुंदन जी से भी बातचीत करके हमने आपको दिखाया था किस तरह से भाजपा के तरफ से उन्होंने क्या क्या बातों को, किस किस बातों को रखा था, किन किन बातों पर, किन किन बिंदुओं पर बहस की हुई थी हमारी, और आपने आपको लगातार दिखाया। उसके बाद CPI के प्रत्याशी अवधेश राय जी से भी हमने बातचीत किया, और अभी हम वर्तमान में सुरेंद्र मेहता जी जो कि बिहार के खेल मंत्री हैं और बछवाड़ा विधानसभा के विधायक भी, और वही वहाँ के विधायक हैं जहाँ से जो भी उम्मीदवार हैं CPI के सांसद के वो हार चुके हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपके मन में और भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में वो भी बताइएगा, हम अगले बार प्रयास करेंगे फिर से इनसे मिल करके और वो सारा प्रश्न इनसे पूछ सके। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज और आप द पब्लिक पॉइंट देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।